अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के करम फजल से मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और जी आज मैं आया हुआ हूँ किन्नुओं के बाग में, फैसलाबाद समंदरी रोड के ऊपर। सूफ़ी बरगद साहब का मज़ार शरीफ है, उससे करीब ये जो है हाईवे के पास माशाल्लाह से मज़ार शरीफ है और साथ में ही किन्नुओं का बाग है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हमने बग़ैर इजाज़त के इधर आए, लेकिन माशाल्लाह से इनके ऑनर जो है वो माशाल्लाह से ख़ुद आ गए और उनसे भी सलाम दुआ करते हैं। और बग़ैर इजाज़त के हम तो बाग में घुसे ही, लेकिन उन्होंने भी अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। उन्होंने बोला जी कोई बात नहीं, तो उनसे भी सलाम दुआ करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाईजान? नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान अली। फैज़ान भाई, तो जी ये फैज़ान भाई का माशाल्लाह से बाग है और हम बग़ैर इजाज़त के इनके बाग में आए तो सही, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारी रिस्पेक्ट की और हमें चाय पानी भी पूछा, साथ में इन्होंने हमें इजाज़त दी। हम तो आपको बताया कराची के लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें देखने के लिए बड़े बेकरार रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाज़ार से तो किन्नू खाए पिए लेकिन कभी खुद हाथों से नहीं तोड़े। तो फैज़ान भाई जो है माशाल्लाह से इन्होंने हमें इजाज़त भी दी और हमारे साथ फैमिली भी है, तो वो फैमिली उधर है और वो अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो हमने भी सोचा। फैज़ान भाई ये माशाल्लाह से कितना बड़ा बाग है? ये एक मुरब्बे का ही? अच्छा अच्छा था, तो ये आपने भी फसल उतार ली है, अब इसकी नेक्स्ट फसल लगनी है या अभी यही है? अभी यही है, नेक्स्ट फसल लगनी है। अच्छा, किसी को अगर इनसे किन्नुओं के हवाले से रब्ता करना हो तो इनका नंबर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और माशाल्लाह से बड़ी आला क्वालिटी के इनके किन्नू माशाल्लाह से हमने यहाँ देखे और बड़ा ज़बरदस्त है। अगर किसी ने इनसे रब्ता करना हो तो मुझे बता सकते हैं। माशाल्लाह से जहाँ तक हद नज़र जा रही है इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये इनकी जगह है माशाल्लाह से। और काफ़ी कितनी बड़ी है भाई ये जगह पर मुरब्बा? ये एक मुरब्बा में ये माशाल्लाह से ये पूरा का पूरा बाग है। थोड़ा सा बताइएगा ये किन्नू कौन सी नस्ल के हैं फैज़ान भाई? ये मिक्स है लेकिन अच्छा है माशाल्लाह से, मीठे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त है, साफ़ फ्रेश किन्नू है और देखने में खट्टे लग रहे थे लेकिन हमने ट्राई किए, माशाल्लाह से सारे बहुत ज़बरदस्त और मीठे किन्नू थे। और इंशाल्लाह जी मिलेंगे और भी व्लॉग्स में, बहुत अच्छा लगा। बल्कि हम डर रहे थे यहाँ पर आके कि भाई ये जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी ये प्रीमिसिस है, हम वहाँ पर ये तोड़ें, क्योंकि जान पहचान नहीं थी, हमने हाईवे पर ही रोका, लेकिन भाई ने हमारी बहुत रिस्पेक्ट की। और माशाल्लाह से फैज़ान भाई जो है, इंशाल्लाह फैज़ान भाई अल्लाह पाक खुश और रवा रखे, आपके घर वालों को भी और आपको भी इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट भी लेंगे। और मैंने इनका नंबर ले लिया, अगर किसी को किन्नुओं के बाग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूँगा, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह से सारी प्रॉपर्टी इनकी है और जब भी आप इंशाल्लाह कोई भी किन्नुओं के हवाले से, ज़रई हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से कोई मालूम चाहिए होगी तो इनको ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा, स्मोकी वेदर है और जहाँ तक नज़र जा रही है माशाल्लाह से। अंदाजन ये फैज़ान भाई कितने कुल टोटल ये कितने दरख्त होंगे आपके लगे हुए? ये दरख्त पूरे मुरब्बे जी है, एक मतलब हज़ार हैं, 500 हैं, किले से 80 हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। तो इंशाल्लाह जी बहुत मज़ा आया आपसे मिलके फैज़ान भाई, अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे इंशाल्लाह जी। इधर आएँ आप, इस तरफ आएँ ताकि आपका व्यू अच्छा है। तो जी ये फैज़ान भाई अपने बाग के साथ और किन्नुओं के साथ माशाल्लाह से इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की, अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। तो जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, अल्लाह हाफिज़।